तो दोस्तों, जैसे कि कुछ समय पहले एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे यूएस की कंपनी ट्राइटन भारत के अंदर एक बहुत बड़ा निवेश लेकर के आ रही है, जहां पर इस निवेश की मदद से भारत में एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना की जाएगी गुजरात के अंदर, जहां पर कंपनी आने वाले 5 सालों में लगभग 10,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी निवेश के बाद मेक इन इंडिया के तहत लोकल प्रोडक्शन भारत में शुरू करने वाली है, जहां पर कंपनी से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट ये निकल के आ रहा है कि कंपनी की जो बैटरी पैक सप्लाई है वो एक इंडियन कंपनी की तरफ से ली जाएगी। वहीं कंपनी के मुताबिक कंपनी गुजरात के भुज में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना करेगी और कंपनी का जो मैक्सिमम प्रोडक्ट आउटपुट रहने वाला है वो एक्सपोर्ट के तर्क पर तैयार किया जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी इलेक्ट्रिक ट्रक्स उतने बड़े पैमाने पर यूज नहीं किए जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर जिस लेवल पर इलेक्ट्रिक ट्रक्स को अपनाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, आने वाले फ्यूचर में भारत के अंदर भी इनकी भारी डिमांड रहने वाली है, तो कंपनी यहाँ पर 100% तो एक्सपोर्ट नहीं करेगी, कुछ परसेंट हिस्सा भारत में यूज किया जाएगा। जहाँ पर ये अमेरिका की कंपनी है और इसके कंपटीशन में खड़ी हुई है टाटा, महिंद्रा जैसी कंपनियां, जहाँ पर टाटा ने अपने एस इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च भी कर दिया है, तो यहाँ पर कंपनी को काफी सिमिलर बजट के आसपास रखना होगा इन इलेक्ट्रिक ट्रक्स को। कंपनी के मुताबिक इन इलेक्ट्रिक ट्रक्स को ज्यादातर कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि ई कॉमर्स साइट और फूड डिलीवरी जैसे पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। जहां पर बात करें हम कंपनी के बड़े अपडेट मेक इन इंडिया के बारे में, तो यहां पर कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है विद द BEL मींस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, जहां पर अब यही इंडियन नवरत्ना डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे यूनिट से कंपनी के लिए लिथियम आयन बैटरी पैक्स की सप्लाई करेगी इलेक्ट्रिक ट्रक्स के लिए। जहां पर हुए इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कंपनी बैटरी पैक्स के साथ साथ लिथियम आयन सेल, फ्यूल सेल और चार्जिंग स्टेशंस भी प्रोवाइड करने वाली है। एंड ओवरऑल दोनों कंपनियों का टारगेट है कि मेक इन इंडिया के तहत भारत में किया जाए, जहां पर BEL और ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विश्वास जमाना चाहते हैं लोगों के दिलों में, और वो आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत में काम करना चाह रहे हैं। एंड कंपनी ने डिसाइड किया है कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी के इन इलेक्ट्रिक ट्रक्स में जो भी बैटरी पैक्स और जो कंपोनेंट्स यूज किए जाएंगे वो ज्यादातर मेड इन इंडिया होंगे। सो यूएस की कंपनी ट्राइटन के इस डिसीजन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।